रीजनिंग में जो कैलेंडर चैप्टर है उससे हम क्वेश्चन करेंगे कैलेंडर। ये जो कैलेंडर चैप्टर है बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसमें कोई सा एग्जाम हो इसमें यहाँ से जरूर प्रश्न पूछता है। तो एक प्रश्न है जो कि मैंने बोर्ड पे लिखा है, तो इसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ। हिंदी में भी लिखा, इंग्लिश में भी, दोनों लैंग्वेज लिखा हुआ है। यदि 5 जनवरी 2010 को सोमवार था तो बताइए 5 जनवरी 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। इफ़ द डे ऑन 5 जनवरी 2010 इज मंडे, देन वट इज़ द डे ऑफ द वीक ऑन 5 जनवरी 2020। 5 जनवरी 2010 को क्या दिया, सोमवार दिया है, और 5 जनवरी 2020 को सप्ताह का दिन पूछ रहा है कि सप्ताह का कौन सा दिन होगा, डेट सेम है। तो आपने क्या करना है, पहले ये डेट लिखेंगे 5 जनवरी 2020, और ठीक उसके नीचे क्या लिखेंगे, 5 जनवरी 2010 लिखेंगे। इसमें से माइनस कर देंगे इसको, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 जनवरी से 5 जनवरी कैंसिल हो गया, कट गया, और यहाँ पर इसमें से माइनस करेंगे 10 साल का गैप आ गया, 10 वर्ष का अंतर है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि अधिवर्ष कितने आ रहे हैं और साधारण वर्ष कितने आ रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि अधिवर्ष में 2 विषम दिन होते हैं और साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है, इसलिए हम अलग अलग करेंगे इन 10 वर्षों में। जो 10 वर्ष है इसमें अधिवर्ष कितने आ रहे हैं, अधिवर्ष देखेंगे। तो अधिवर्ष इसमें देखो, एक तो 2010 से जब हम गिनती शुरू करेंगे, 2010 तो साधारण वर्ष है, 2012 यह अधिवर्ष हो जाएगा। इसके बाद इसमें 4 साल जोड़ देंगे, यानी 2016 भी क्या हो जाएगा, अधिवर्ष हो जाएगा। 2016 में अगर हम 4 जोड़ते तो 20 आएगा, लेकिन 20 कम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो जरा, ये 5 जनवरी 2020 को अधिवर्ष नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मंथ जो है वो 5 जनवरी है, इसलिए 20 को नहीं लेंगे, केवल 2 आपके अधिवर्ष होंगे, एक 2012 होगा, 2016 होगा। तो इसमें 10 में से 2 आपके अधिवर्ष होंगे, लीप ईयर होंगे, और 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 आपके क्या हो जाएंगे, साधारण वर्ष हो जाएंगे। एक अधिवर्ष में 2 दिन होते हैं, 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 4 दिन हो गए इसके, 4 दिन। और यहाँ पर जो साधारण वर्ष है, एक साधारण वर्ष में 1 दिन होता है, तो 8 में कितने हो जाएंगे, 8 में 1 की गुणा करेंगे कितना हो गया, 8 दिन हो गए। तो 8 दिन + 4 दिन ये कितने हो गए, टोटल हो गए 12 दिन। अब हम क्या करेंगे, 7 का भाग करेंगे, क्योंकि सप्ताह का दिन पूछ रहा है, तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 से इसको डिवाइड करेंगे, देखो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 हो गया, माइनस करेंगे 5, ठीक है। तो यहाँ 5 रिमाइंडर बज रहा है, शेष बज रहा है। तो जो दिन दिया है यहाँ पर 5 जनवरी 2010 को सोमवार दिया, तो सोमवार से हम क्या करेंगे, 5 दिन आगे जोड़ेंगे, तो 5 दिन हम आगे जोड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, सोमवार से आगे ना, सोमवार से आगे मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, तो यानी आपका क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, ठीक है। यानी 5 जनवरी 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, शनिवार होगा, तो ये आंसर आ गया आपका, ठीक है।